मार्वल ने 2021 में अब तक 2 टीवी सीरीज कंप्लीट कर ली हैं और करंटली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर अपने 6th एपिसोड के साथ एंड हुई। इस एपिसोड में हमें कई सारे ट्विस्ट मिले, जैसे कि फैल्कन का नया सूट, पावर ब्रोकर का ट्रुथ और न जाने क्या क्या। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम बात करेंगे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सीजन फिनाले के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 6th एपिसोड में हमें कई सारे ऑसम मोमेंट्स मिले, जिसमें पहले तो हमें फैल्कन का नया कैप्टन अमेरिका सूट देखने को मिला, जो कि बकी के रिक्वेस्ट पे वकांडा वालों ने बनाया था। तो अब ये जो वकांडा का टेक है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसमें उनकी वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी ना यूज हुई हो। उसके बाद हमें दिखता है कार्ली का क्रूएल फॉर्म, जिसमें वो दूसरे लोगों की परवाह न करते हुए अपना डेथ गेम खेलती है। सबसे अमेजिंग सीन तो तब मिला जब फैल्कन विंडो के थ्रू शील्ड और अपने नेक सूट के साथ माइंड ब्लोइंग एंट्री देता है, और यहाँ हमें फैल्कन न्यू कैप्टन अमेरिका और बैटरॉक के बीच एक अमेजिंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है, जो कि ये प्रूव कर रहा था कि सैम ने कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। साथ ही साथ हमें बकी भी दिखता है, जो कि अब पूरी तरह से कूल माइंडेड होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और वहीं हमें बकी का बाइक सीन भी देखने को मिला, जो कि एक रेफरेंस था स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका का। अब जरा हम ध्यान दें तो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स कैसे अपनी बाइक को मैनिपुलेट करता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि फैल्कन कैसे एक हेलीकॉप्टर से हॉस्टेजेस को बचाता है। साथ ही साथ उसने रेड विंग के हेल्प से एक दूसरे हेलीकॉप्टर के क्रैश होते वक्त उसके अंदर फंसे पायलट्स को बचा लिया। आगे हमें जॉन वॉकर भी दिखता है, जो कि इस बार बकी का साथ देता है अपनी हैंडमेड शील्ड के साथ, जो कि कुछ खास मजबूत तो नहीं थी, बट फिर भी उसने काफी मदद की। और यहाँ एक टाइम पे जॉन वॉकर ने अपने ऊपर लगे दाग मिटाने के लिए सही का साथ दिया। जब कार्ली वैन में फंसे लोगों को मारने के लिए उन्हें काफी ऊंचाई से गिरा रही थी, तब हमने देखा कि जॉन वॉकर सबको बचाने के लिए उस वैन को पकड़ के खड़ा हो जाता है, बट एक टाइम पे कार्ली के लोग वहां आ जाते हैं और जॉन वॉकर को नीचे गिरा देते हैं। तब हमें दिखता है फैल्कन, न्यू कैप्टन अमेरिका, जो कि उस वैन को गिरने से बचा ही लेता है। और फाइनली इसमें हमें ये पता चल गया कि पावर ब्रोकर असलियत में शैरन कार्टर ही थी। शैरन ही वो मास्टरमाइंड थी जिसने अब तक पावर ब्रोकर की तरह सामने न आके सब कुछ किया। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि सैम को अब फैल्कन नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की तरह मानने लगे हैं, जैसा कि हमने सोचा था। इस पूरी सीरीज में हमें ब्लैक और व्हाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाया गया है कि कैसे पूरी दुनिया ब्लैक पीपल्स को दबाते आ रहे हैं, बट इस एपिसोड के एंड में सैम ने प्रूव कर दिया कि ब्लैक होना कोई शर्म की बात नहीं, अगर एक ब्लैक चाहे तो अकेले ही पूरी दुनिया पलट सकता है। अब इस एपिसोड को लेकर मेरी तरफ से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा देखने को मिला। फैल्कन जो कि अब नया कैप्टन अमेरिका बन गया, बकी के ऊपर से एक और गिल्ड का बोझ कम हो गया, जॉन वॉकर US एजेंट बन गया, शैरन के ऊपर लगे सभी इल्जाम क्लियर हो गए, और एंड में इस सीरीज को एक नया नेम भी दे दिया गया, जिसमें इसका नाम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की जगह कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर कर दिया गया, जो कि हमको हमेशा से देखना था कि सैम नया कैप्टन अमेरिका बन के हमारे सामने आए। और अब जो ये सब हो गया तो एक तरह से हैप्पी एंडिंग ही हुई। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सीजन फिनाले का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस एपिसोड में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.